हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार रेसिपी। बचे हुए चावल से बनाएंगे और इसे बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। जो चावल बच जाते हैं उसे उसी चावल से बनाएंगे और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच जीरा। तो जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। फिर इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन को ग्रेट करके। आप इसमें पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अदरक लहसुन को ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो मिला देंगे और इन सबको एक मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। ये देखिए अदरक लहसुन भी हमारा भून चुका है। फिर इसमें डाल देंगे एक कप आलू। तो आलू को मैंने अच्छे से धोकर छीलकर काट लिया है। तो आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काटा है, इसमें ये जल्दी पक जाते हैं। तो इसे चलाते हुए एक मिनट तक भून लेंगे। तो आलू भी हमारे अच्छे से मतलब एक मिनट तक भून लिया है हमने। फिर इसमें डाल देंगे सब्जियाँ। तो एक कप बीन्स डाल देंगे, गाजर डाल देंगे। आप इसमें अपने मनपसंद सब्जियों को ऐड कर सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे मटर और सारे सब्जियों को हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है, क्योंकि गाजर बीन्स और मटर को पकने में समय लगता है। मैं इसमें फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियों को हमें ढक कर 3 से 4 मिनट तक पका लेना है ताकि सब्जियाँ हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देंगे। सब्जियों का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, हल्के हल्के सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है मैंने। फिर इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि टमाटर भी हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो नमक को मैं अभी ही डाल रही हूँ। तो नमक को मिला देंगे और वापस पैन को कवर करके हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और पाव भाजी मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसमें चिकन मसाला डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए सभी मसाले को मिलाते हुए हमें 1 मिनट तक भूनना है। तो मसाले को मिला देंगे। तो मसाले को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं आप। अगर मसाले काफ़ी ड्राई हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल सकते हैं बीच में। तो ये देखिए आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, कसूरी मेथी डाल देंगे 1 छोटी चम्मच और मिला देंगे। तो इन सबको मिला देंगे अच्छे से मसालों में। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो जो मैंने चावल बनाए थे वो चावल बच गए, तो वही चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें तुरंत बना के। तो ये देखिए एक साथ पूरा चावल नहीं डालेंगे, पहले मैं आधा चावल को डाल रही हूँ। इसे पहले अच्छे से मसालों और सब्जियों में मिक्स करेंगे, फिर बाकी के चावल को डालेंगे। तो ये देखिए मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर बाकी के चावल को इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो इस चावल को भी अच्छे से सब्जियों में मिला देंगे और मिलाते हुए हमें हल्का सा भून लेना है। तो इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए भून लेना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चावल को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
और इसे हम गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा बचे हुए चावल का हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इसमें हमने बहुत सारी सब्जियाँ डाली है तो ये बहुत हेल्दी है। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे और इसे आप कटे हुए प्याज टमाटर और नींबू के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इस रेसिपी को आपको बहुत पसंद आई तो जाइए फटाफट इस रेसिपी को बनाइए। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर चावल बच जाए तो क्या करें, फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कीजिए।